Very good morning, friends. Welcome back to our Indian Economic series, where we are talking about basics of Indian economy. In first lesson, we talked about Indian economy before independence or during independence. Second video, we talked about Indian economy between 1950 to 1990. Third video, we have already talked about liberalization, privatization, and globalization. In this video, we are going to talk about poverty and related issues. The objective of this video is to clear your concept related with India economic development and maximize your scores in various examinations. Target audience may be UPSC, PC State, PCS, or IBPS. Please don't confuse that only watching video will be sufficient to score maximum in the exam. It will only help you to clear the concept and selective and systematic knowledge understanding of the topics and easy recall. Please share, like, comments, and subscribe the channel to get the latest notification. Please like the video if it is really helping you, or dislike with comments so that I can improve the same in my next video. If you have any doubt or confusion, or you want any new video on a specific topic, please write in the comments box below the name of the topics and for which purpose you want. It is my personal guarantee, sir and ma'am, that video will be uploaded within 24 hours. You can search more video on the YouTube channel with name Conceptual Classes. So let us start. आखिर पॉवर्टी होता क्या है, गरीबी क्या होता है? पॉवर्टी अगर वर्ड आती है तो इस पॉवर्टी का मतलब इतना ब्रॉड है कि सब लोग बोलता है कि हम गरीब हैं। अगर हम एक एमपी और एक एमएलए की बात करें तो एमएलए बोलेगा कि हम एमपी से गरीब हैं। अगर हम एक आईएएस ऑफिसर और एक स्टेट पीसीएस की बात करें तो हमेशा एक कलेक्टर जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है वो बोलेगा कि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ज़्यादा गरीब हैं। अगर हम सोसाइटी में बात करें तो हर एक पॉवर्टी का कोई फिक्स पैरामीटर्स नहीं है, सब लोग एक दूसरे से परेशान हैं। अगर हम एक बेगर की बात करें तो बेगर में भी एक गरीब बेगर है, अमीर बेगर है। तो हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि पॉवर्टी के वेरियस एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, उसके बाद कौन कौन सा डायमेंशन है पॉवर्टी को क्लासीफाई करने का, पॉवर्टी को एस्टिमेट कैसे करते हैं, और पॉवर्टी को एलिवेट कैसे करते हैं, कैसे खत्म करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि पुअर कौन कौन है, हु आर द पुअर्स, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर्स कितना है, उसका पॉवर्टी का रीजंस क्या है, क्या 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 कारण है जिसके चलते पॉवर्टी हमारे कंट्री में बढ़ते जा रहा है, पॉलिसी और प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने जो इनिशिएट किया, फिर कंक्लूजन। तो अगर हम इंडिया के मैप पे एक बार नजर डालें तो जो हमारा ईस्टर्न और सेंट्रल स्टेट है, जैसे हमारे यूपी का मैक्सिमम पोर्शन हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल का कुछ पोर्शन हो गया, इधर नॉर्थ ईस्ट के मैक्सिमम स्टेट असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, फिर भोपाल, इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे जो एरिया हैं वो सारे पुअर स्टेट में काउंट किए जाते हैं। इंडिया का जो पॉवर्टी है आज के डेट में एवरेज 22% है, जबकि वर्ल्ड का केवल 18% है। इंडिया में आज के डेट में भी 270 मिलियंस मीन्स लगभग 27 करोड़ लोग, 120 करोड़ में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे सरवाइव करते हैं, और वर्ल्ड में मात्र 1260 मिलियन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वाइव करते हैं। तो एक्चुअली पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आजाद होने वाला था, आजाद होने से पहले कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया, संविधान सभा बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि दिस अचीवमेंट दैट इज इंडिपेंडेंस इज नॉट ए आवर अचीवमेंट, दिस इज जस्ट ए स्टेप एन ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ग्रेट ट्रायम्फ एंड अचीवमेंट दैट अवेट अस द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। मीन्स उनका कहना था कि जो हमको अभी आज़ादी मिली है ये हमारा अचीवमेंट नहीं है, एक स्टेप है, एक हमको मौका मिला है जिस मौका के लिए हम लोग बहुत दिनों से लड़ रहे थे कि हमको गरीबी को ख़त्म करना है, डिजीज और इग्नोरेंस जो हो रहा है उसको ख़त्म करना है, समाज में जो इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करना है। लेकिन आगे देखते हैं कि इनका ये जो सोच था, इनका जो कहना था, कहाँ तक सक्सेस हुआ है, कहाँ तक फेल्योर हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हु आर द पुअर, आखिर गरीब हैं कौन कौन। तो अगर हम नेशनल पॉवर्टी के एस्टिमेट देखें तो हमारे कंट्री में 1993 से 1994, अगर हम आज से
30 साल पीछे जाए तो रूरल एरिया में 50.1% लोग गरीब थे, अर्बन एरिया में 31.8%, टोटल 45.3%। फिर उससे 10 साल आगे गए तो रूरल एरिया में 50 से घट के 42% हो गया, 41.8% हो गया, अर्बन एरिया में 31.8 से घट के 25.7 हो गया, फिर टोटल गरीबी 37.2 हो गया। फिर आगे फिर 5 साल आगे बढ़े, 41 से घट के 33 हुआ, 25 से घट के 21 हुआ, फिर 37 से घट के 29 हुआ, 30 हुआ। फिर अगले 2 साल में 33 से घट के 25.7, 13.7, 21.9। मींस ईयर बाय ईयर बाय ईयर हम पॉवर्टी को धीरे धीरे घटा तो रहे हैं, लेकिन जिस रेशियो में या जिस रेट से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है मीन्स आई मीन जीडीपी जो बढ़ रहा है, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है उस रेट से हमारा पॉवर्टी डाउन नहीं हो रहा है। जीडीपी का इंडिया, जैसे हम जीडीपी के मामले में देखें तो इंडिया आज के टाइम में वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा जीडीपी कंट्रीब्यूटर है आफ्टर यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी इसके बाद। लेकिन पॉवर्टी के मामले में देखा जाए तो कंट्री का रैंकिंग बहुत ही नीचे है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि जो पुअर लोग हैं हमेशा उन पे बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देता है। पुअर लोग आज के डेट में भी मनी लेंडर के चक्कर में रहते हैं, वो हमेशा क्रोनिक इनडेबटनेस में रहते हैं, हमेशा उनको जिंदगी भर कर्जा में डूबे रहते हैं। वो लीगल वेज जो उनका कितना हक मिलना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं उसके लिए कितना मजदूरी मिलना चाहिए उसको नेगोशिएट करने के लिए इनकैपेबल है, वो उनको हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता है। आज भी सोसाइटी में उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम होता है, स्किल कम होता है, बढ़िया वो हाई स्किल वाला काम नहीं कर सकते हैं, सैलरी बहुत कम लेते हैं, वेज बहुत कम लेते हैं। आखिर क्या क्राइटेरिया है जिससे हम पुअर पीपल को आइडेंटिफाई कर पाए? क्योंकि ये बोला जाता है कि अगर हम किसी बीमारी का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाए तो फिर उसका हम क्योर नहीं कर सकते हैं, उसका हम इलाज नहीं कर। अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो सबसे पहले डायग्नोसिस करता है, डायग्नोसिस करने के बाद कंफर्म करता है कि हाँ कौन सा बीमारी है, किस रीजन से बीमारी हो रहा है, तभी उसका कोई ना कोई सोल्यूशन देता है। तो वैसे ही पुअर जो पॉवर्टी है आज के टाइम में इंडिया में एक बहुत बड़ा डिजीज है। उस डिजीज को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले देखते हैं 2 क्राइटेरिया है, पर कैपिटा इनकम और कैलोरी इनटेक। 2 क्राइटेरिया बनाया गया है जिसके बेसिस पे हम पॉवर्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कोई भी आदमी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो अर्बन एरिया में 450 रुपया से कम का कंजम्पशन करता है एक महीने में। अगर कोई अपने ऊपर अपने कंजम्पशन के लिए 454 से कम का कंजम्पशन करता है उसको बोला जाता है कि वो आदमी गरीब है। अगर कोई आदमी रूरल एरिया में 328 रुपया से कम का कंजम्पशन करता है तो उसको बोला जाता है गरीब है। वैसे ही कैलोरी इनटेक, जो आदमी पर डे 2400 कैलोरी से कम इन रूरल एरिया और 2100 कैलोरी से कम इन अर्बन एरिया कंज्यूम करता है तो उसको बोला जाता है ये गरीब है। अब आता है कि पॉवर्टी का कंसेप्ट आखिर स्टार्ट हुआ कहाँ से? तो अगर हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो उसमें एक आप नाम सुने होंगे बहुत ही, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड मैन ऑफ ओल्ड इंडिया, दादा भाई नरोजी, जो कि दिए थे ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट, वही दिए थे। उन्हीं को फर्स्ट टाइम इंडिया में पता चला था कि देश का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बाय ब्रिटिशर्स। वो सबसे पहले कंसेप्ट दिए थे पॉवर्टी लाइन का, कि वो उनका कहना था कि जो इंडिया में 3/4 से ज्यादा लोग जो है वो गरीब है। उसमें क्या है कि 1/6 ऐसे लोग हैं जो जिनका नील कंजम्पशन है। नील कंजम्पशन का मतलब उनका वो जो कंज्यूम करते हैं उनपे उनके ऊपर जो खर्चा होता है लगभग ना कवर। जनरली जो चाइल्ड होता है, इन्फेंट होता है, वो उसका कंट्रीब्यूशन 1/6 होता है। अगला जो 1/6 होता है जो एक एडल्ट का हाफ कंज्यूम करता है, एडल्ट का हाफ का मतलब जितना एक एडल्ट खाना खाता है, जितना एक एडल्ट पे खर्चा होता है, उसका हाफ 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन पे जो थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो जाता है उस पे खर्चा होता है। फिर 2/3 जो होता है वो फुल होता है मीन्स एडल्ट आता है। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इतना है जो जिसको टोटल एक स्टैंडर्ड जितना खर्चा होना चाहिए वो खर्चा हो। तो जितना भी सबको अगर हम ऐड करें तो 3/4 3/4 भाग ऐसा लोग है
जो गरीबी का शिकार है। अब गरीबी भी एक एब्सोल्यूट टर्म में हम नहीं कर सकते हैं, इसका भी कुछ रेंज है। इसका रेंज क्या क्या होता है? सबसे पहले है एब्सोल्यूट पुअर, वेरी पुअर, पुअर, नॉट सो पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, वेरी रिच, मिलियनर्स, बिलियनर्स। एब्सोल्यूट पुअर का मतलब क्या होता है कि जो हमेशा ही पुअर, मतलब हमेशा उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वेरी पुअर और पुअर, पुअर और नॉट सो पुअर के बीच का जो बाउंड्री है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। मीन्स पॉवर्टी लाइन के नॉट सो पुअर और पुअर के पहले वाले जो लोग हैं, ये सारे को गरीब माना जाता है, और नॉट सो पुअर के ऊपर वाले जो लोग हैं उनको नन पुअर माना जाता है। ठीक है, हम कैलोरीज इनटेक कंजम्पशन के बेसिस पे देखते हैं, तो पर कैपिटा जो पर मंथ कैलोरी का कंजम्पशन है रूरल एरिया में 2400 और अर्बन एरिया में 22100। फिर मिनिमम कंजप्शन पर मंथ 49.1, 56.7, ये 1979 में रखा गया था, लेकिन आज के डेट में इसको चेंज कर दिया गया। 49.1 को बढ़ा के 454 कर दिया गया है अर्बन एरिया में, 454 कर दिया गया और रूरल एरिया में 328 रखा गया है। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट कुछ कुछ कमेटी बनाई उस पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए। तीन कमेटी, जो कमेटी तो बहुत सारा बनाया है, लेकिन तीन कमेटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है लकड़वाला कमेटी जो 1993 में बना था, तेंदुलकर कमेटी जो 2009 में बना था, और रंगराजन कमेटी जो कि 2012 में बना था। सबसे पहले देखते हैं लकड़वाला कमेटी का क्या मानना था, वो क्या क्या क्राइटेरिया लिया किसी पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए। सबसे पहला क्राइटेरिया उन्होंने लिया, लकड़वारा एक जो चेयरमैन थे इस कमेटी के, कंजप्शन एक्सपेंडिचर शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन कैलोरी कंजप्शन। उनका कहना था कि जो कोई आदमी कितना कंज्यूम कर रहा है वो डिपेंड होना चाहिए कैलोरी कंजप्शन, कितना कैलोरी वो इनटेक कर रहा है। दूसरा, स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन शुड बी कंस्ट्रक्टेड एंड दिस शुड बी अपडेटेड यूजिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर अर्बन एरिया एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ द एग्रीकल्चर लेवल इन रूरल एरिया। मीन्स उनका कहना था कि हर एक स्टेट में एक स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन बनाया जाए, और वो जो पॉवर्टी लाइन बनाया जाएगा वो डिपेंड करेगा, वो अलग अलग रहेगा, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग, सीपीआई एग्रीकल्चर वर्कर के लिए अलग। फिर जो पहले जो एस्टिमेट होता था स्केलिंग ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेट बेस्ड ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया इन 1993। तो लकड़वारा कमेटी का यही मोटो था कि स्टेट वाइज सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेवल, सीपीआई फॉर अर्बन इंडस्ट्रियल वर्कर और कैलोरी कंजम्पशन, इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए पॉवर्टी को देखा जाए। फिर 2009 में तेंदुलकर कमेटी आई। तेंदुलकर कमेटी में लकड़वारा कमेटी से थोड़ा सा चेंजिंग आया। इनका क्या कहना था कि ए शिफ्ट अवे फ्रॉम कैलोरी कंजम्पशन बेस्ड ऑन पॉवर्टी एजम्पशन। इनका था कि कैलोरी कंजम्पशन के अलावा कोई दूसरा चीज भी हमको देखना है। क्या है? यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरिया। इनका था कि दो एरिया अगर है, एक रूरल एरिया है और एक अर्बन एरिया है, तो दोनों के लिए अलग अलग हम पॉवर्टी लाइन बास्केट बनाए। ठीक है, ए चेंज इन प्राइस एडजस्टमेंट प्रोसीड्यूर टू करेक्ट स्पेशल एंड टेम्पोरल इशूज विथ प्राइस एडजस्टमेंट। मीन्स जो हम प्राइस का जो एडजस्टमेंट करते हैं, रूरल एरिया में एक ही सामान सेम प्राइस पे मिलता है, अर्बन एरिया में सेम मिलता है, इसमें हमको एडजस्टमेंट करके चले। इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट एक्सपेंडिचर और हेल्थ एजुकेशन वाइल एस्टिमेटिंग पॉवर्टी। हम कोई भी आदमी अपने हेल्थ पे एजुकेशन पे कितना खर्चा कर रहा है पर्सनली, उसको भी ऐड करें पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए, क्योंकि ये जनरली ये माना जाता है कि जो आदमी गरीब होते हैं अपने हेल्थ एजुकेशन ये सब पे खर्चा कम करते हैं, जो अमीर होते हैं वो ज्यादा करते हैं। ये भी एक क्राइटेरिया है पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए। फिर जो यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड बेस्ड ऑन एस्टिमेट दैट आर यूज्ड फॉर, जो पहले वाला मेथड था कि यूनिफॉर्म कोई रेफरेंस पीरियड बना दिया गया उसी के बेसिस पे हम पॉवर्टी को एस्टिमेट करते थे, उसको खत्म कर दिया गया। तो इनका मेनली लकड़वारा कमेटी से डिफरेंस क्या हुआ कि एक हेल्थ एजुकेशन को एस्टिमेट में लिए पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए, फिर एक अर्बन एरिया और रूरल एरिया के पॉवर्टी लाइन बास्केट अलग से बनाए। फिर आते हैं रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी 2012 में बनाया गया। इसका क्या था,
पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए, टू प्रोवाइड एन अल्टरनेट मेथड टू एस्टिमेट पॉवर्टी लेवल्स एंड एग्जामिन वेदर पॉवर्टी लाइन शुड बी फिक्स्ड सोली इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन बास्केट और इन अदर क्राइटेरिया। मीन्स एक अल्टरनेट मेथड बनाया गया पॉवर्टी लेवल को एस्टिमेट करने के लिए, और उसके लिए देखा गया कि क्या क्राइटेरिया रखा गया, कंजम्पशन बास्केट हो, कितना कंज्यूम कर रहा वो रखा गया या कोई दूसरा रखा गया। फिर टू एग्जामिन डाइवर्जेंस बिटवीन कंजम्पशन एस्टिमेट बेस्ड ऑन एनएसएसओ एंड दोज इमर्जिंग फ्रॉम नेशनल अकाउंट्स एग्रीगेट्स टू रिव्यू द इंटरनेशनल पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड्स टू एंड इंडिकेट वेदर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर मेथड एम्पिरिकल पॉवर्टी एस्टिमेशन कैन डेवलप इन इंडिया टू रिकमेंड हाउ दिस एस्टिमेट्स कैन पॉवर्टी कैन बी लिंक्ड विद एलिजिबिलिटी एंड एंटाइटलमेंट अंडर द वेरियस स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन जो तेंदुलकर कमेटी का था वो तो था है, और उसमें कुछ एडिशनल इन्होंने ऐड किया। तो इसके हिसाब से जो 2004-05 में एक एस्टिमेट किया गया तो रूरल एरिया में 28.3%, अर्बन एरिया में 25.7% और टोटल 27.5% लोग गरीब थे। तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से 41.8%, 27.5% और टोटल गरीबी 37.2% थी। अब आता है कि पॉवर्टी लाइन या गरीब लोगों को टोटल 5 कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा गरीब रहते हैं, इसको बोलते हैं ऑलवेज पुअर। कुछ होते हैं यूजुअली पुअर, कुछ होते हैं चर्निंग पुअर, और कुछ होते हैं ओकेजनली पुअर, कुछ होते हैं नेवर पुअर। ठीक है, अब होता क्या है, ऐसे मान लीजिए कि एक पॉवर्टी लाइन है, जो लोग हमेशा पॉवर्टी लाइन से नीचे ही रहते हैं पूरे अपने लाइफ टेन्योर में, उनको बोलते हैं ऑलवेज पुअर, वो हमेशा गरीब हैं। कुछ लोग होते हैं कि जनरली पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहते हैं, नहीं सॉरी, जनरली पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, कभी कभी उनके लाइफ में कुछ ज़्यादा इनकम हो गया, कुछ ज़्यादा हरियाली आ गई, तो पॉवर्टी लाइन से कुछ दिन के लिए ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आके अपना काटते रहते हैं, इनको बोलते हैं यूजुअली पुअर। कुछ लोग होते हैं कि हमेशा दोनों के बीच में घूमते रहते हैं, कभी गरीबी आएगा, कभी अमीर हो जाएगा, फिर गरीब होंगे, फिर अमीर होंगे, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं चर्निंग पुअर। ओकेजनली पुअर का मतलब होता है जो हमेशा पॉवर्टी लाइन के ऊपर में है, कभी कभी उनका इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुआ तो कुछ दिन के लिए पॉवर्टी लाइन के नीचे आएगा, फिर ऊपर चलेगा, इनको बोलते हैं ओकेजनली पुअर। ठीक है, फिर जो लोग हमेशा पॉवर्टी लाइन से बहुत ऊपर में रहते हैं उनको बोलते हैं नेवर पुअर। तो ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक पुअर, मतलब ये हमेशा गरीबी के शिकार रहेंगे। जो चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर, जो दोनों को एक साथ हम ग्रुप में रख सकते हैं, ट्रांजिएंट पुअर, ट्रांजिएंट पुअर। फिर ओकेजनली पुअर और नेवर पुअर, दोनों को हम एक साथ बोलते हैं नन पुअर। तो अगर हम एग्रीगेट लेवल पर देखें तो पुअर मीन्स पॉवर्टी का 3 कैटेगरी है, क्रोनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर और नन पुअर। नन पुअर में आता है जो या तो कभी नहीं गरीब है या कभी कभी गरीब हो गए। ओकेजनली पुअर और नेवर पुअर को एक साथ नन पुअर, फिर चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर को बोलते हैं ट्रांजिएंट पुअर, और अलवेज पुअर और यूजुअली पुअर को हम एक साथ बोलते हैं एग्रीगेट और सॉरी क्रोनिक पुअर। द मैकेनिज्म ऑफ डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन ऑल्सो डज नॉट टेक इन टू कंसिडर सोशल फैक्टर्स। एक हमारा डिमेरिट है, चाहे वो लकड़वाला कमेटी हो या तेंदुलकर कमेटी हो, रंगराजन कमेटी हो, ये कभी भी सोशल फैक्टर्स को एस्टिमेट में नहीं लेते हैं। ये क्या करते हैं, केवल कंजम्पशन बास्केट, कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना खा रहा है, कितना हेल्थ एजुकेशन देख रहा है, उसमें उसके बेसिस पे लोग गरीबी डिसाइड कर लेते हैं। ठीक, इसमें नहीं ना तो इलिटरेसी लिटरेसी को देखा जाता है, नहीं तो हेल्थ को देखा जाता है, ना अदर रिसोर्स को देखा जाता है, ना उसके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है, सिविल और पॉलिटिकल फ्रीडम्स उसका नहीं रहता, इस सारे चीज को जो कमेटी बनाया गया वो लोग नहीं देखे। ठीक है, अमर्त सेन एक नया कॉन्सेप्ट दिए जिसको हम लोग बोलते हैं सेन इंडेक्स। अमर्त सेन का नाम सुने होंगे, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है इसके लिए इकोनॉमिक्स में। तो इनके एक कॉन्सेप्ट लाए हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल्स बिलो पॉवर्टी लाइन डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। एक कंट्री में कितना लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन अगर हम कर देंगे तो हमारा हेड काउंट रेशियो निकल जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर रीजन क्या क्या है पॉवर्टी का। तो सबको पता है कि पॉवर्टी का बहुत सारा रीजन है, इसको जितना लिख सकते हैं उतना रीजन आ जाएगा, लेकिन हम जो मेन मेन रीजन है उसको समराइज करते हैं एक एक वर्ड में।
लो लेवल्स ऑफ एजुकेशन एंड स्किल, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं रहता है, स्किल नहीं रहता, इसके चलते लोग गरीब होते हैं, इन्फर्मिटी रहता है, हमेशा बीमार रहते हैं, हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, गरीबी में बीमारी रहता है, उनके साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, दे कैन बी यूज एज ए रिजल्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिक पोलिटिकल इनइक्वालिटी, जो हमारे समाज में सोसाइटी के लेवल पे, इकोनॉमिक्स के लेवल पे, पॉलिटिक्स के लेवल पे, हर एक लेवल पे कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है, इसके चलते गरीबी आ रही है, सोशल एक्सक्लूजन शुरू से ही उस गरीब लोगों को समाज से एक तरह से बाहर ही रखा गया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, उसको बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन, गरीब लोगों को कोई नहीं पूछता, जो अमीर है उन्हीं को सब पूछता है, अनएम्प्लॉयमेंट एक रीजन है, इनडेप्टनेस, कर्ज के चलते भी लोग गरीब होते चले जाते हैं। सो ये जितना भी है इन्फर्मिटी, हेल्थ, सिकनेस, ये सब इंडिविजुअल रीजन है पॉवर्टी का, अगर हम सारे इंडिविजुअल रीजन को एक साथ ऐड कर दें तो हमको निकलता है एग्रीगेट पॉवर्टी, एग्रीगेट पॉवर्टी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल पॉवर्टी, पॉवर्टी इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड बाई जनरल इकोनॉमिक वाइड सेज लो कैपिटल फॉर्मेशन, अगर हम ग्रॉस लेवल पर माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर देखें तो तीन पाँच रीजन है पॉवर्टी का, पहला रीजन है लो कैपिटल फॉर्मेशन, जो कैपिटल हमारे कंट्री में फॉर्म हो रहा है उसका रेट बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी प्रोडक्ट का अगर डिमांड नहीं होता तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो सेक्टर है उस वहां पे गरीबी आएगी, पॉपुलेशन का प्रेशर डे बाय डे बढ़ते जा रहा है तो लिमिटेड रिसोर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, लैक ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम, सोशल वेलफेयर स्कीम भी एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है। अब आते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया इस पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, तो गवर्नमेंट का तीन अप्रोच रहा, फर्स्ट अप्रोच, सेकेंड अप्रोच और थर्ड अप्रोच। जो फर्स्ट वाला अप्रोच था वो जस्ट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन, जब प्लानिंग कमीशन बनाया गया उस टाइम में फर्स्ट अप्रोच लिया गया, उस टाइम में क्या लिखा गया, क्या देखा गया, उस टाइम जो गवर्नमेंट का अप्रोच था वो था कि रैपिड ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, जो 1950 से 1960 वाला टाइम था उसमें जो गवर्नमेंट का जो भी फर्स्ट और सेकेंड फाइव ईयर प्लान आया उसमें ग्रोथ पे मेन ध्यान दिया गया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी को बढ़ा दो, इंडस्ट्री बहुत सारा बढ़ा दो कंट्री में, अपने आप लोग गरीब से अमीर हो जाएंगे, ये पहले टाइम में सोच था 1950 से 1960, लेकिन वो सोच सक्सेस नहीं हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया, बहुत सारा रैपिड ग्रोथ भी हुआ, लेकिन गरीबी को खत्म नहीं किया सकता, नहीं किया जा सका उस टाइम में। सेकेंड अप्रोच लगाया गया 1961 से 1966 तक, जिसको थर्ड फाइव ईयर प्लान में लाया गया, इसमें क्या किया गया कि ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे लोग खुद से अपना रोजगार शुरू करने लगे, मीन्स फूड फॉर वर्क उसको बोला गया, एक 1970 के टाइम में प्रोग्राम आया था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, मीन्स अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, पहले तो लोग गवर्नमेंट क्या सोची कि इंडस्ट्री बढ़ा दो, रैपिड ग्रोथ करा दो, लोग ऑटोमेटिक एम्प्लॉयड हो जाएंगे, लेकिन पॉपुलेशन इतना स्पीड से बढ़ रहा था और इंडस्ट्री उसका 10% स्पीड से भी नहीं बढ़ रहा था, तो क्या था, हर एक साल 90% लोग अनएम्प्लॉयड बढ़ते जा रहे थे, और गरीबी बढ़ते जा रही थी, तब क्या लाया गया कि नहीं, जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनको ऐसा कुछ उपाय किया जाए जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना से कुछ रोजगार कर सकें और अपने आप गरीबी को हटा सके, उसके लिए बहुत सारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गारंटी एक्ट, डीए डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, ए सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस तरह का कंसेप्ट लाया गया जिससे लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, सारे अगर प्रोग्राम को हम नटसेल में देखा जाए तो यही हुआ है कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, ये सारे लोग डिफरेंट स्कीम के तहत बैंक से लोन लिए हैं, बैंक से लोन ले करके और सब्सिडी कंज्यूम कर लिया है, बैंक का लोन भी खा गए हैं, मीन्स अल्टीमेटली बैंक को लॉस हुआ है, गवर्नमेंट को लॉस हुआ है और ये पब्लिक का स्टैंडर्ड लगभग ज्यों का त्यों है, थोड़ा बहुत बड़ा है लेकिन उसको कंसिडर नहीं किया सकता। थर्ड अप्रोच में आते हैं, इसमें कुछ दूसरा अप्रोच लिया गया, इसमें देखा गया कि अगर हम बेसिक एमिनिटीज जैसे फूड ग्रेन एजुकेशन और हेल्थ, ये तीनों अगर हम सब्सिडाइज रेट पे या बहुत आराम से बहुत कम प्राइस पे लोगों को प्रोवाइड कर दें तो हो सकता है गरीबी खत्म हो जाए, तो इसके लिए इस थर्ड अप्रोच में बहुत सारा नया नया प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किया, जैसे ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर मिड डे मील स्कीम,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बहुत सारे गवर्नमेंट का स्कीम स्टार्ट किया गया, जिसका मेन मोटो यही था कि हम हेल्थ एजुकेशन और बेसिक एम्यूनिटीज को सुधार कर। एक स्कीम भी अभी चल रहा है थर्ड अप्रोच वाला, हो सकता है 2020 के बाद या 2019 के बाद फिर से कोई फोर्थ अप्रोच आए और गवर्नमेंट इस पॉवर्टी एलिवेशन के लिए काम करे। तो अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन निकालते हैं तो जितना भी पॉलिसीज है जो रैपिड और बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया गया विथ इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, पॉवर्टी एलिवेशन हैज ऑलवेज बीन एक्सेप्टेड एज वन ऑफ द मेन चैलेंज बाय द पॉलिसी मेकर रिगार्डलेस ऑफ द विच गवर्नमेंट वाज इन पावर। ये जो पॉवर्टी एलिवेशन था किसी भी गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, पॉवर्टी एलिवेशन उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा था और कोई भी गवर्नमेंट इसको कंप्लीट एलिविएट नहीं कर पाई। तो ये हमारा वीडियो था पॉवर्टी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किए कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ए वीडियो, हैव ए नाइस डे।